الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عليه الصلاه والسلام جددوا ايمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد ايماننا قال اكثروا من قول لا اله الا الله औ कमा काला अलैहि सलातो वस्सलाम। भाइयों बैठ जाओ, आप आगे आ जाइए, आगे सरक आइए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसमें तो कोई शक नहीं कि हिदायत और विलायत सिर्फ इत्तिबाए सुन्नत के साथ शर्त है। अगर कोई शख्स किसी भी लाइन में हो, चाहे वो दावत और तबलीग, तालीम और ताल्लुम, इबादत और अस्कार, आदात और ज़रूरियात, अगर कोई भी शख्स किसी भी लाइन में हालात के कितने भी तकाजे की वजह से सुन्नत के ख़िलाफ़ लगता है तो हिदायत का वादा नहीं है, क़ुरान की शर्त है। हदीस में है कि अगर तुमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। आप बात समझ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कह दीजिए मेरा रास्ता तो यही है, मैं पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ और जो मेरी पैरवी करने वाले हैं वो भी अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हर तरीक़ा मेहनत दावत नहीं है, वो तरीक़ा मेहनत दावत है जो तरीक़ा आपके सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हम सब इस तरीक़ा मेहनत के दाई हैं, हमारे ज़िम्मे हैं अपनी ज़ात से लेकर हर एक को उस तरीक़े पे लाना। सुन्नत दावत, सुन्नत इबादत, सुन्नत आदत, ये हम सब के लिए लाजिम है, कि हम सब के लिए लाजिम है। जी आप आगे बढ़ाएँ, आप आगे बढ़ाएं, आपके सामने जगह खाली है, बात को आप तवज्जो से सुने। और एक बात और है, आप समझें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि मेरे बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के तरीक़े को लाजिम पकड़ना, क्योंकि ज़माना आएगा, ऐसा ज़माना आएगा कि लोग मेरे तरीक़े को बदलेंगे। उसकी वजह ये थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किसी अमर में यानी किसी हुक्म में रुख्सत पर लाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रुख्सत पर ले आए, इसलिए कि रुख्सत का दीन भी कमज़ोर, रुख्सत की दावत भी कमज़ोर, रुख्सत की इबादत भी कमज़ोर, रुख्सत माजूर का अमल है। तो रुख्सत माजूर का अमल है, रुख्सत का आदि हो जाना दीन के मिटने का सबब है, और अजीमत का आदि बन जाना, लोगों को अजीमत का आदि बनाना, ये दीन की तरक्की का सबब है।